84 कोस में। हाँ जी। एक धाम है रावल धाम महाराज जी, जहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई है, तो वहाँ पे राधा रानी को बोलते हैं लाडली, लली। तो ब्रसवान महाराज जो थे, जो कि अब बरसाना बनाया हुआ है, वहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ से ये अपने नाना के गांव रावल आए हुए थे। तो इनको कोई संतान नहीं थी। जब इनको कोई संतान नहीं थी तो ये इनका नित्य नियम ये था कि सवेरे उठना और उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जमुना मैया में जाते थे, और जमुना मैया में जब वो जाते थे तो वहाँ पर नित्य स्नान करते थे, और स्नान करने के तुरंत बाद जैसे ही सूर्य की पहली किरण फूटती थी तो सूर्य नारायण को ये जल चढ़ाते थे। तो नित्य नियम यही था। तो ये जमुना मैया में स्नान करने पहुँचे, जब ये स्नान करने पहुँचे तो क्या होता है, सूर्य नारायण की जैसे ही पहली किरण फूटी, और पहली किरण फूटते ही तो कमल के फूल तो होते ही हैं, जमुना मैया में कमल खिला, तो जैसे ही कमल खिला तो उसमें राधा रानी प्रकट हुई। तो ब्रसवान महाराज जो है राधा रानी को लेके अपने घर आ गए। तो इनका नाम वहां पे रखा गया लली, लाडली। तो राधा रानी जो प्रकट हुई है ब्रज 84 कोस में रावल धाम में प्रकट हुई है। अब ये बना दिया है कि बरसाना है, तो बरसाना उनका जन्म स्थान थोड़े, उनका जन्म तो हुआ ही नहीं, वो तो प्राकृति से एक कमल के अंदर से प्राप्त हुई है। और जमुना मैया जो है वो है महारानी, जो के अपने उत्तराखंड से ही निकली हुई है, यम की बहन हुआ करती थी ये कभी। इनकी माता जी का नाम था संध्या, एक बार संध्या, और पिता का नाम था सूर्य देवता जो है, जो इनके पिताश्री थे। तो संध्या जो है सूर्य नारायण से डरती थी कि मैं इनके तेज से कहीं भस्म ना हो जाऊं, तो इसलिए वो रुष्ट होकर वहां से जाने लगी। जब वो जाने लगी तो पीछे पीछे यम और यामी, ये दोनों पीछे पीछे मैया मैया करते करते पीछे चले, तो मैया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो अभी यहाँ से जा रही हूँ। तब यामी को, यानी कि यमुना महारानी को क्रोध आ गया। तो यमुना महारानी ने कहा कि मैया, या तो आप रुक जाओ, और नहीं तो मैं फिर आपको छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। इतना कहते ही तो मैया ने नहीं सुनी। जब मैया ने नहीं सुनी तो यामी जो थी वहाँ से छोड़कर पृथ्वी पर आ गई, और जैसे ही हिमालय में आई है तो वहाँ पहले से ही भगवान ने साधु संत वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हुए थे। तो जैसे ही ये उतरी हैं तो उतरते ही उन्होंने इनका भव्य तौर से स्वागत किया। स्वागत करने पर कहा, आओ यामी मैया, आज से आपका नाम, पृथ्वी पे आप आ गई हो तो आज से आपका नाम यमुना महारानी कहलाया जाएगा, और आप वहाँ से निकलोगे कि द्वापर युग में जब प्रभु जन्म लेंगे पृथ्वी पर, और जहाँ जहाँ उनकी रासलीलाएं होंगी आप वहाँ से निकलोगे। तो यही कहानी है यमुना महारानी की और राधा रानी की। जय हो, जय हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।